तो करते हैं आज के व्लॉग का शुभ आरंभ। एंड आज 3:32 हो गए एंड अभी व्लॉग का शुभारंभ किया है। और अभी मैं जा रहा हूँ खेत में, क्योंकि चने वने फाड़ दिए ना, तो उनको निकलवाने भी है भाई, तो इसीलिए थ्रेसर आने वाली है। आप लोगों को वो इकट्ठा किए उस टाइम तो मैं व्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन एक खेत के अभी तक बाकी है। टेंशन मत लो, आप लोगों को दिखा देंगे कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे क्या है जो भी है। लेकिन फिलहाल तो अभी उधर चलते हैं निकलवाने के लिए, और दिखाता हूँ कैसे क्या निकालते हैं, जो भी होगा वो मिलते हैं आगे। एंड दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है ज़्यादा, जब तक तो ये खेत का काम खत्म नहीं होता तब तक नहीं करवाऊंगा, क्योंकि फिर कोई फायदे वाली बात नहीं है। एक बार खेत का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद करवाएंगे हम अपनी दाढ़ी वाड़ी करवा के, एंड फिर चलेंगे कहीं बाहर घूमने के लिए। कहाँ चलेंगे वो आगे आने वाले लोगों में पता लग जाएगा। फिलहाल के लिए तो एक बार खेत में चलते हैं, एक बार उधर ही चलना तो खेत में इम्पोर्टेंट पहुंच चुके हैं गाइस। है। एंड अभी हमारे जो पड़ोस में खेत है उधर मशीन लगी चने वाली, तो उधर दिखाएंगे आप लोगों को। एंड शुरू हो गई है, ऐसी गर्मी में ही करना पड़ेगा। और इधर ही आ रही है सारी सारी वो जो उससे जो फंकी वगैरह निकले हैं वो इधर ही आ रही है। तो अभी चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे क्या निकालेंगे और कैसे क्या। ये मशीन लगी हुई है, इसी से हम निकलवाए हैं। हमारा इधर है, ये भी पड़ोस के खेत है उधर निकल रहा है, तो वहाँ से उधर थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों। बार ये निकलवा देते हैं, उसके बाद हमारे पास तो निकलवा दिए अभी। अभी हमारे खेत में लगे हैं, जाके देखते हैं हमारे कितने क्या निकलते हैं। अभी हमारे खेत में लगी है मशीन, ये हथियार है जो काम आएंगे चने निकालने में। चने वने निकाल दिए गाइस, एंड अभी शाम के 4:56 हो गए। ले गया ऐसा इतार के पसड़ी तो वो बड़े ही बड़े है। एंड अभी ये पेड़ की छाँव में बैठा हूँ थोड़ी देर, उधर थोड़ा सा और अनाज है वो निकलवा के आने, तो उधर जाता हूँ और वो निकलवा के फिर आता हूँ, फिर करता हूँ आपसे बात एक बार। आप लोग तो थोड़ा गुमार है जो पिछले साल का पड़ा है, अभी तक निकलवाया नहीं, अभी निकलवा रहे हैं चनों के साथ में। सूर्यास्त होने को है, एंड अभी ये अपने चने हैं जो निकाल के इनमें डाल लिए। अभी साफ सफाई चल रही है थोड़ी बहुत जो खेत में बच गए उनकी, एंड अभी इनको इन गट्टों में डालेंगे और उसके बाद निकलेंगे घर की तरफ। एक बार जल्दी जल्दी थोड़ा सा इनको पैक कर देते हैं।
ਸਾਡਾ ਜੁੜਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਉਪਰ ਦੇਖ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੁੜੇ ਨਿਕਲੇਂਗੇ ਘਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋ ਗਾਇਸ ਆਜ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਐਂਡ ਆਜ ਹਮ ਚਲੇਂਗੇ हमारे दूसरे वाले खेत में कल आप लोगों को दिखा दिया था कि हम चने वने कैसे निकालते हैं इकट्ठा किए हुए लेकिन ये नहीं दिखाया था कि इकट्ठा कैसे किए थे आज आप लोगों को वही दिखाएंगे कि हम लोग चने वो इकट्ठा कैसे करते हैं तो चलो चलते हैं खेत में एंड दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे इकट्ठा करते हैं और कितनी मेहनत लगती है इन चनों को निकालने में चलो चलते हैं पहले खेत में एंड बाकी बातें खेत में ही करते हैं आ गए हैं खेत में एंड हालत देख लो तुम्हारे भाई की एकदम खस्त हो रही है ये पीछे चने वने इकट्ठे कर रहे हैं अभी निकालते कैसे हैं इकट्ठे के वो तो आप लोगों को दिखा दिया एंड अभी अब दिखाऊंगा कि इकट्ठा कैसे करते हैं हम लोग चने वने फाड़ के उनको कैसे इकट्ठा करते हैं अभी चाचा जी एंड पापा लगे हुए हैं इकट्ठा करने लिए देखता हूँ अगर मेरे को बोले तो मैं भी लग जाऊँगा साथ में इकट्ठा कराने में एक बार तो दिखाता हूँ आप लोग कैसे क्या इकट्ठा कर रहे हैं लाला के डाल रहे हैं उधर है वो चलो उनके पास चलते हैं दिखाते हैं कैसे क्या लाते हैं देखो पापा जी लेके आ रहे हैं उठा के चाचा जी एंड पापा जी ऐसे उठा के लेके आएंगे एंड इधर ला के डाल दें तो चलो एकदम हम पास में चलते हैं और फिर दिखाते हैं कैसे क्या होता है सब अभी ये इतनी जटे बाकी है इनको इकट्ठा करेंगे इसके उसके बाद मशीन से निकलवा लेंगे मैं भी थोड़ा हेल्प करवा देता हूँ इनकी वो लोग का एंड नहीं किया मैंने लास्ट पार्ट अभी शूट कर रहा हूँ एंड अभी ट्रेन में बैठूँगा तो साथ में एडिट कर दूँगा इसीलिए अभी और इस व्लॉग में आप लोगों को जो भी हमारे खेत में काम होता है चने फाड़ना इकट्ठा करना निकालना वो दिखाया है कैसा लगा कैसा नहीं लगा वो आप ज़रूर बताना एंड अभी के लिए मैं इस व्लॉग का कर रहा हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय